स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के, चाहे आप मैकेनिकल में आप प्रोडक्शन के स्टूडेंट हो या कैड के स्टूडेंट हो या ऑटोमोबाइल के हो या मेंटेनेंस के हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो आपको जो है एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वो सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग। नया सब्जेक्ट है आपके लिए, इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को अन्य सारी अपडेट मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। जितने सारे प्रश्न बताएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। साथ ही मैकेनिकल के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो इन बातों का ध्यान देंगे कि जितने सारे स्टूडेंट अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल अंतिम टाइम में और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिससे कि वो एक अच्छा नंबर गेन कर सके, आप पास हो सके सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे, आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। आपका ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं 2018-19-20 तीनों साल के पेपर को लेकर के बनाए हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे 2018 वाले। ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि इस साल के क्वेश्चन हर साल लगभग आपके पूछे जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है केसीएल केवीएल तथा ओम के नियम को लिखो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, जिसमें आपको पहले में किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ओम के नियम को लिखना है। देखिए, जो आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है, आपका ये 2 सब्जेक्ट से मिलकर के बेसिकली बना होता है। जैसे एक तो हम बात करें तो इसमें एक जो है आपका ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है। इलेक्ट्रिकल पोर्शन जो पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है टोटल 30 नंबर का। और इसके साथ ही साथ जो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन आपका होता है, वो आपका पूछा जाता है लगभग 20 मार्क्स का, है ना। तो 30-20-50 इस तरीके से आपका हो जाता है। पासिंग मार्क्स इसमें 17 रहता है, आपको पता ही है। अगला है आपका थेवेनिन के प्रमेय को लिखिए, और आपका कभी कभी थेवेनिन के प्रमेय से एक आपका न्यूमेरिकल भी दे देता है और पूछता है कि लोड रेजिस्टेंस आरएल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आप थेवेनिन के प्रमेय के द्वारा आप बताइए। इसके साथ ही साथ थेवेनिन का प्रमेय अगर पूछा गया, इसका मतलब यह है कि अन्य सारा प्रमेय भी आपके जनरल इंजीनियरिंग में है, जैसे नॉर्टन का प्रमेय है, केसीएल केवीएल है, इसके अलावा सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसके अलावा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, सारी चीजें आपकी हैं। तो आपको बेसिकली थेवेनिन का प्रमेय और इससे एक न्यूमेरिकल आपका लगभग पूछा जाता है। अगला है आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप लोगों का पूछा जा रहा है करंट सोर्स क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, करंट सोर्स के कॉन्सेप्ट को बताइए तथा वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में क्या अंतर होता है और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स हम कैसे चेंज करते हैं, इसके प्रोसेस को बताना है। इसके लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके प्रोसेस को बताना है। अगला काफी सिंपल सवाल है आपका, एसी तथा डीसी में आपको अंतर बताना है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आपका अंतर बताना है। अब आते हैं आप लोग के बैटरी वाले चैप्टर से, एक किसी ना किसी प्रकार के बैटरी का आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, जैसे कि सीसा अम्ल संचायक बैटरी को समझाओ या फिर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को लिखिए या फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को समझाइए। अगला है आपका स्वप्रेरण को अन्योन्य प्रेरण को समझाइए, मतलब कि आप क्या समझते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग का पूछा जाता है, या सेल्फ इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं, ये आपका पूछा जाता है। कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है, एल इज इक्वल टू एन Ni/I, है ना, Li=Ni, जो आपका फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। निम्न की व्याख्या करने के लिए पूछा गया था आपसे, जिसमें आपका इंडक्टेंस की व्याख्या करनी थी, कैपेसिटेंस की व्याख्या करनी थी, इंपीडेंस की व्याख्या करनी थी, पावर फैक्टर की व्याख्या करनी थी। थ्री फेज सप्लाई से आप क्या समझते हैं, मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करिएगा, जहां पे आपका पूछा जाता है थ्री फेज सप्लाई, और थ्री फेज सप्लाई के क्या कहते हैं, और थ्री फेज सप्लाई से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है। इसमें आपका 2 कनेक्शन आते हैं, एक आपका स्टार कनेक्शन आता है, एक आपका डेल्टा कनेक्शन आता है। तो स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में चेंज करने के लिए भी पूछा जाता है, और डायरेक्टली आप स्टार कनेक्शन से क्या समझते हैं या डेल्टा कनेक्शन से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है। एक आपका बच्चे चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है आपका विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट के आपके बारे में बताया गया है।
आपको किसी न किसी एक पावर प्लांट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेगा, चाहे वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करे या फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करे, मतलब किसी भी एक आप देख लीजिएगा तो पावर प्लांट के बारे में जरूर पूछेगा। यहां से अब आते हैं हम आपके अगर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन की तरफ, तो सिविल निर्माण कार्य में पत्थर चूने तथा लकड़ी के गुणों तथा उपयोग की व्याख्या करिए। आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सायल की बियरिंग क्षमता क्या है, नींव के डिजाइन में इसके महत्व की विवेचना करिए। ये भी 2018 में क्वेश्चन, ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला है आपका कि एक भारी मैकेनिकल झुलाव वाली मशीन के लिए किस प्रकार की नींव हमें आवश्यक है, पाई नींव क्या होता है, ये भी चीजें आपसे पूछी जाती है। कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड क्या होते हैं, कंक्रीट के फिजिकल फील्ड टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। अगला आप लोगों का ये पूछा जा रहा है बच्चे आरसीसी क्या है, आरसीसी से आप क्या समझते हैं, आरसीसी किसे कहते हैं। अगला है आपका सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या उपयोग होता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी सीमेंट अनुपात क्या होता है, ये आप लोगों का सिविल वाला पोर्शन है, यहां से आप लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका पूछा जाएगा तो 20 नंबर पूछा जाएगा, 20 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब मेरी बातों को सुनिएगा, जो आप लोगों का एसी थ्योरी वाला चैप्टर है वहां से आप लोगों का डेफिनेशन ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि एसी से रिलेटेड आपके जितने डेफिनेशन हो गए सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। आवर्तकाल किसे कहते हैं, आरएमएस वैल्यू से आप क्या समझते हैं, है ना, आप मैक्सिमम वैल्यू से क्या समझते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज आपसे पूछी जाती है। पावर फैक्टर क्या होता है ये पूछा जाता है, और किसी सर्किट में अगर सिर्फ आपका रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसमें जो है आपका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर एसी सप्लाई रेजिस्टेंस के क्रॉस आपकी लगाई जाती है या इंडक्टर के क्रॉस या कैपेसिटर के क्रॉस, मतलब मैक्सिमम आपको जो बच्चे जोड़ देना है वो डबल ई वाले पोर्शन पे ही देना है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक पोर्शन पे ही देना है। न्यूमेरिकल का कुछ कहा नहीं जा सकता, कई बार हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपका जो है वो नेटवर्क से भी आ जाता है, मतलब थेवेनिन नॉर्टन वगैरह से भी आ जाता है, कई दफे ये देखा जाता है कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो एसी थ्योरी से भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल का कोई फिक्स नहीं है बच्चे, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी है बच्चे वो आपकी चल रही है क्रैश कोर्स में, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22, और इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।